डोनेस में रूस की घातक मिसाइल स्ट्राइक, ब्रेक करें विद द विजुअल्स। डोनेस में रूस ने यूक्रेन के ठिकानों पर दागी मिसाइलें। रूस ने टारगेट सेट कर मिसाइल हमले किए। ये डोनेस के विजुअल्स हैं। रूसी हमले में यूक्रेनी सैनिक और आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो गए। कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत और घायल होने का दावा किया जा रहा है। ये नाइट विजन जो आप देख रहे हैं, किस तरीके से यहां पर नाइट विजन में आपको सिर्फ हीटेड स्पॉट्स दिखाई देते हैं, ये देखिए, और ये वहां पर कैप्चर किया गया है। प्रॉबेबली ये बायनोकुलर्स से कैप्चर किया गया है। लेकिन इस सब के बीच में सीधा आइए, रूस की मोटराइज्ड राइफल यूनिट के एक्शन का वीडियो आया सामने, ब्रेक करें। रूस का T-90 टैंक से यूक्रेनी ठिकानों पर भीषण हमला, विजुअल्स के साथ ये तस्वीरें देखिए। ये नया आर्मर टैंक इनका है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, जो अभी हाल ही में डिप्लॉय किया गया है। T-90 टैंक से फ्रंट लाइन पर यूक्रेनी पोजीशंस को तबाह किया गया है। ये देखिए नए आर्मर जो इनमें लगे हुए हैं, उसके वीडियो आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा। यूक्रेन की एंटी टैंक पोजीशन और आर्मर्ड व्हीकल नष्ट किए गए। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। राहुल थोड़ा एक्सपैंड करिए इसको जरा। ये अभी डिप्लॉय किया गया है लुहांस में, खासकर T-90 उनका अर्माटा के बाद सबसे एडवांस टैंक है, क्योंकि अर्माटा इससे भी एडवांस टैंक है। T-90 भारत के पास भीष्म के रूप में है। और लेकिन इस सब के बीच में सीधा एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रेक करिए। यूक्रेन के MI-8 हेलीकॉप्टर्स का चौंकाने वाला वीडियो आया सामने, दिखाइए राहुल। B-8 रॉकेट पॉड्स के साथ उड़ते दिखे यूक्रेनी हेलीकॉप्टर जमीन से एकदम सट के, ये देखिए अब आप, और फिर इनकी फायरिंग का वीडियो इसी के साथ है, दिखाइए जरा वीडियो भी। जमीन से सिर्फ कुछ फीट ऊपर उड़ते दिखाई दिए। ये देखिए किस तरीके से MI-8 चॉपर्स का ये अटैक वीडियो सामने आया, किस तरीके से अटैक किया जा रहा है, ये देखिए अब आप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है हमारे पास, यूक्रेन एयरफोर्स का रूसी अटैक, रूसी ठिकानों पर बड़ा अटैक, विजुअल्स के साथ SU-25 फाइटर जेट से किया गया हमला, ये देखिए अब आप। हमले में कई रूसी सैनिकों को मारने का दावा, ये विजुअल देखिए SU-25। राहुल ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। एक तरफ चॉपर से अटैक किया जा रहा है, एक तरफ SU-25 से। इसका मतलब यह है कि एयर स्पेस जो है वो पूरी तरह इनके पास है। दिखाइए जरा दोनों, ये हैरान करने वाले विजुअल से। मैं चाहूंगा एम्बियंस अप करें किसी एक का। इस सब के बीच में आज की एक और बड़ी खबर सीधे देखिए, फाइटर जेट्स पर US एयरफोर्स जनरल का बड़ा खुलासा, ब्रेक करें। युद्ध में अब तक यूक्रेन के 60 फाइटर जेट्स गंवाए, विजुअल्स के साथ 50-50। युद्ध शुरू होने से पहले यूक्रेन के पास थे 105 फाइटर जेट्स। युद्ध में अब तक रूस ने 70 फाइटर जेट्स गंवाए, US एयरफोर्स जनरल जेम्स हैकर का दावा।